अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। तो अभी सुबह का टाइम तकरीबन 8:30 बजे का हो रहा है, और आज सुबह से तो ये सुहान उठ गया है, क्योंकि सुहान जो है ना 7 साढ़े 7 बजे उठ जाता है। तो यहाँ पर भी अभी सभी सोए हुए हैं, लेकिन सुहान उठ गया है। और जब सुहान उठता है तो कभी इधर या उधर जाता है, चीज़ों को छेड़ता है। और हम दोनों जो है ना इंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, खेल कूद यानी के स्वान के साथ लगा हुआ है। स्वान कभी इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। फिलहाल अभी नाश्ते की तैयारी करता हूँ और चाय वगैरह चढ़ाता हूँ, बच्चों को भी उठाना है। उठाओ मामू को, उठाओ, ऐसे उठाओ, ऐसे करके उठाओ, उठाओ, मार 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 के उठाओ, ऐसे। मामू नहीं उठ रहा है, हाथ में क्या हो गया? मच्छर ने काट है? अरे वाह भाई, मच्छर ने काट लिया। चल ऐसे करो, आप मेरे साथ चलो, सही है? बाइक पे चलते हैं, बाइक पे शपथ लेने, शपथ। हाँ शपथ, बाइक पे, मोटरसाइकिल पे चलेंगे, सही है? चप्पल पे? हाँ चाबी है ना मेरे पास, चाबी है कहीं? चाबी मामू से ले ले, मामू से, मामू चाबी दो, उठाओ। उठाओ उठाओ इसको, मामू को उठाओ, चाबी, मोटरसाइकिल पे जाओगे। जोर से चल, चल खींचो उठ रहा हूँ, खींचो उठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, खींचो। उठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, उठ रहा, उठ गया। बस चाबी, चाबी चाबी दो। दे। हाँ जेब में चाबी, जेब निकाल के ले। हाँ ये बोल रहा है, कमीज की जेब में, जेब से निकाल के दो चाबी, दवा है? निकाल के आ जाओ, मैं निकाल दूंगा, आ जाओ, चलो। ऐसे ऐसे यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से है? ये लो निकालो, निकालो निकालो निकालो, इसमें से नहीं है, वहां पर फ्रिज पे रखी हुई, आ जाओ वहां से उठाएंगे, आ जाओ। चलो ये दे दो मामू को, कमीज पहनेंगे, मामू मामू को दे दो, पहन इसको, पहन। चलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और आज जो है ना, आप ही का पहला दिन है हमारे घर में, जो कि आज सुबह ही सुबह सुहान ने उठा दिया था, शोर करने लग गया था। मैं सो रही होती हूँ, हमेशा सुहान मुझे ऐसे ही उठाता है, जब भी आता है या हम जाते हैं ना तो सुबह सुबह शोर करने लग जाता है, खुद ही उठ जाते हैं हम सब। खैर आप ही तो सुबह की उठी हुई थी, और फिर उसके बाद घर के काम वगैरह किए आप ही ने और मैंने मिलके। आप ही ने नाश्ता बनाया, मैंने घर की सफाई वगैरह की। और अब भी हो रहा है दोपहर का टाइम, जो कि मैंने किचन में जो है ना यहाँ पर खाना गर्म करने के लिए रखा है। और आज हमें हमें जाना है मार्केट, जो कि अब जो है ना 4-5 दिन तक, 3-4 दिन तक हम जो है ना शॉपिंग शॉपिंग करते रहेंगे, क्योंकि आप ही आई हैं, आप ही इसी काम से आई हैं कि हम शॉपिंग करेंगे, वो अपनी भी शॉपिंग करेंगी शादी की, तो सब जो है ना एक साथ ही करेंगे, ताकि इन कुछ दिनों में जो है ना सारी की सारी शॉपिंग हो जाए। बाकी जो थोड़ी बहुत रह जाएगी वो हम बाद में करते रहेंगे, कोशिश तो यही है कि सारी शॉपिंग हो जाए। खैर अभी जो है ना सुहान सो रहा है, तभी घर में शोर नहीं हो रहा, नहीं तो इधर उधर उधम मचाया होता, शोर करने में लगा होता, खेल रहा था, यानी कि रौनक हो गई अब घर में। खैर अभी सभी आराम कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर हो रही थी, हमने सोचा 1-1.5 घंटा आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर खाना खा के जो है ना फौरन से निकलेंगे मार्केट के लिए। खैर अभी खाना गर्म हो रहा है, खाना जैसे ही गर्म होगा खाना खाएंगे, उसके बाद जो है ना हमें मार्केट के लिए जाना है। तो यहाँ पर जो है मैंने चावल गर्म करने के लिए रखे हैं, जो कि कल हमने चावल वगैरह बनाए थे, तो यहाँ चावल गर्म करने के लिए रखे हैं। और भाई जो है यहाँ पर सो रहे हैं, आपी भी यहीं पर ही लेटी हुई है, और पापा बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो घर में जो है ना सन्नाटा हो रहा है, सफाई वगैरह कर ली थी मैंने, तो सभी आराम कर रहे हैं फिलहाल। इतने खाना गर्म होगा ना, इतने ये सब भी उठ जाएंगे, मैं बोल देती हूँ कि खाना गर्म हो रहा है, आप सब उठ जाएं, तैयार हो जाएं। तो अभी हम आ चुके हैं मार्केट, और मार्केट आते ही सबसे पहले तो हम इस शॉप पर आए। यहाँ पर काफ़ी सारे सूट हैं जो कि नॉर्मल है, हमें नॉर्मल ही चाहिए, क्योंकि भाभी के लिए जो है ना, जैसे शादी के बाद नॉर्मल दिनों में बंदा पहन सकता है ना,
तो ऐसे सूट चाहिए। तो यहाँ पर आप भी देख रही हैं, सुहान शरारते करने में मसरूफ़ है हमारे साथ, और यहाँ काफ़ी प्यारे प्यारे सूट हैं, थोड़े बहुत फैंसी भी हैं, लेकिन हम जो है ना नॉर्मल सूट देख रहे हैं, जो कि आप ही को भी लेना है और हमने भाभी के लिए भी देखना है, तो सब जो है ना पसंद कर रहे हैं मिलके। अभी हम आए हैं दूसरी जगह पर, ये देखें यहाँ पर जो है ना बहुत ही प्यारे प्यारे ब्राइडल ड्रेसेस हैं, जो कि यहाँ पर पार्टी वेयर हैं। ये देखें, ये ब्राइडल का है, ऊपर वलीमे के टाइप का है, और ये नीचे जैसे बारात में पहने जाते हैं वैसे हैं। यहाँ जो है ना हर चीज़, यानी कि हर जो ड्रेस है वो ब्राइडल के हिसाब से। तो अभी चलते हैं अंदर, अंदर जाते हैं, अंदर देखते हैं। आप ही तो पहले ही चले गई है हमसे पहले, तो अब मैं जा रही हूँ आप ही के पीछे पीछे अंदर जाके देखती हूँ। और ये आप सूट देख सकते हैं, कितना ही प्यारा लग रहा है, लेकिन ये तो खैर बाहर ऐसे ही दिखाने के लिए लटकाए हुए हैं, लेकिन अंदर इनके पास जो है ना और प्यारे प्यारे भी हैं। तो अंकल ने बोला अंदर आके पहले आराम से बैठ जाएं, उसके बाद मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहे होंगे सामने कितने प्यारे प्यारे सूट हैं, अंदर जो हमें दिखा रहे हैं वो भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। ब्राइडल लहंगे देखने के बाद अब हम जो है ना दूसरी चीज़ देख रहे हैं, हमें कोई पसंद नहीं आया, इस वजह से हम जो है ना यहाँ पर पार्टी वेयर ड्रेसेस देख रहे हैं, जो कि आप ही देख रही हैं अपने लिए। पहले हम भाभी के लिए देख रहे थे, तो अब हम आप ही के लिए देख रहे हैं, तो देखते हैं इनमें से आप ही को कौन सा पसंद आता है कौन सा नहीं। बहुत सारे सूट निकलवाए हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे फैंसी ड्रेसेस रखे हुए हैं इनके पास। शॉपिंग करने के बाद अब हम आ गए हैं कुछ पेट पूजा करने, यानी कि कुछ खाने पीने, जो कि यहाँ पर जो है ना हम पिछली बार भी आए थे जब आप ही आई थी, तो अब कैसे आए हैं, तो अब कैसे हमने चाट वगैरह मंगवाई है, साथ में गोलगप्पे मंगवाए हैं, सुहान के लिए मंगवाई है हमने मैंगो आइसक्रीम, जो कि सब मिलके जो है ना आपस में शेयर कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अभी हो चुका है रात का टाइम, और रात के जो है ना तकरीबन 9:30-10 बज रहे हैं, और शाम में हम मार्केट से जब आए थे ना, आते के साथ लाइट गई हुई थी, घर में अंधेरा हो रहा था, मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई, और अभी अभी लाइट आई है, थोड़ी देर पहले 9:30 बजे आई थी, और अभी शायद 10 बज गए होंगे। और काफ़ी देर से निदा आप भी आई हुई हैं, जो कि निशा आप ही से मिलने के लिए आई है, क्योंकि काफ़ी कल से आप ही आई हैं, लेकिन कल नहीं आ पाई निदा आप ही, तो निदा आप ही ने बोला कि मैं आज आऊँगी। तो अभी 10-15 मिनट हुए, निदा आपी को भी आया हुआ है, बच्चों ने जो शोर मचाया हुआ है घर में, यानी कि फुल रौनक लगी हुई है, सबसे ज्यादा बच्चों का शोर हो रहा है। और फिर उसके बाद दोनों बहनें मिलके बातें कर रही हैं, मैं भी अंदर ही बैठी हुई थी, मैंने सोचा चलें पहले आती हूँ वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद मैं भी जो है ना साथ साथ फिर बातों में लग जाऊंगी, आप सबको भी दिखाती हूँ। तो आज जो है ना सारे घर में वही शोर मचा हुआ है, जो कि बच्चे यहाँ पर उधम मचा रहे हैं, पापा और जीजू जो है ना यहाँ पर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं, और यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली बैठी है, वो समझे, बहन भाई भांजा भांजी सब बैठे हैं, भांजी तो कोई है नहीं, सारे भांजे हैं इधर, भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो है ना दोनों सिस्टर्स यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है भाई, आप सुनाओ? बिल्कुल ठीक, हम भी। और आप जो रात में आई है, क्योंकि हमने बोला था दिन में हम बाजार जाएंगे। हाँ, दिन में मेरे को भी टाइम मिला, और भाई भी नहीं थे ना असल में, भाई भी गए हुए होते हैं काम, मामू को मारेंगे इसी बंदूक से, ऐसे पीछे लगते हैं, ये देखें, ये ना ऐसी और मामू की खासी ड्यूटी लगी, हमने 4 बच्चे लगा दिए, हाँ 3 बच्चे लगाए हैं, जो कि उधम मचे हुए, अभी एक सुकून से बैठा हुआ है, ये वाला भी सुकून से बैठा हुआ है, हाँ बस सुहान है ना वो थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं, देखें यहाँ पर मामू के साथ, मामू कभी फोन चलाते हैं, कभी अपने भांजे को संभालते हैं। तो काफी टाइम बाद आप दोनों ऐसे साथ बैठ रही है ना, कम से कम 3 महीने बाद, हाँ पिछली बार आई थी तब, कितना टाइम हो गया, हाँ हम भी इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, कभी कभी मिलना होता है, रात के 12 बजे भी आ जाती मैं तो, हाँ ये तो होता ही है, टाइम को देखना पड़ता है ना, बहनों का मसला है, खैर ये तो चलता रहता है, अपने ही घर है, आते जाते।
खैर अभी मेरा मसला ही ज्यादा है, मैं दूर जाऊँ। हाँ, आप दूर हैं बहुत। हमारा ज्यादा से ज्यादा दो रोड का फासला है, थोड़ा आपका बहुत मिलोगा। बहुत दूर है, बस यही सुबह का फासला है, 18 घंटे कम नहीं होते आपके। खैर अभी जो है ना यहाँ पर चारों बहन भाई मिलके बातें शाते कर रहे हैं इधर सब। कितना टाइम लगेगा वैसे जहाज का सफर? तो 1 घंटा 5 मिनट का था। अच्छा, लेकिन सारा मिला के ना उधर कई तरह का तो 5 घंटे 4-5 घंटे। तो सब जो है ना अभी आपस में बातें कर रहे हैं और मैं यहाँ पर भाई के रूम में आ गई हूँ। ये रूम जो है ना खाली है, बस एक चरपाई रखी हुई, थोड़ी सी आवाज गूंजती है। मैंने सोचा लाइट जाने से पहले पहले जो है ना अपनी वीडियो एंड कर देती हूँ, क्योंकि अभी से ज्यादा 2 मिनट लाइट चली है, पूरे पूरे 11 बजे। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।